ये कहानी है 25 साल की लिसा मिश्रा की, जिन्होंने बॉलीवुड में धूम मचा रखी है। वे बॉलीवुड में गायिका हैं और साल भर में 25 से ज्यादा शो कर चुकी हैं और कई बड़ी फिल्मों के लिए गाना गा चुकी। सबसे बड़ी बात यह है कि वे विदेश में थी, लेकिन उसके बाद वे वापस इंडिया आ गई और उन्होंने बॉलीवुड में अपना काम शुरू किया। लिसा मिश्रा शिकागो में लगभग 50 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी करती थी। उनका जॉब था डेटा एनालिस्ट का, लेकिन वे गायक के रूप में अपनी यह नौकरी छोड़कर, जिसमें उनको प्रति माह 50 लाख रुपए मिलते थे, करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई। और उसके बाद उनकी एक फिल्म आई, वीरे दी वेडिंग। इस फिल्म की को प्रोड्यूसर रिया कपूर ने लिसा से संपर्क किया। लिसा के एक गाने तारीफें को इस फिल्म में शामिल किया गया, जो काफी हिट हुआ। यह ट्रैक लिसा ने अपने शो के लिए यूट्यूब पर डाला था। मिश्रा कहती हैं कि पिछले एक साल में 25 से ज्यादा म्यूजिक शो कर चुकी हूँ। इसके अलावा जजमेंटल है क्या और द स्काई इज पिंक जैसी मूवीज के लिए वे गाना भी गा चुकी हैं। उनके यूट्यूब पर 1,98,00,000 सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 2,24,000 फॉलोअर हैं और फेसबुक पर 19,215 फॉलोअर। तो किस तरह से लिसा मिश्रा ने 50 लाख रुपए की शिकागो की अपनी नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में धमाका कर दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।